अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए टूटी फ्रूटी ड्राई फ्रूट्स केक की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने इसे आज डिफरेंट शेप में बनाया है, जिसे बर्न्ट कहते हैं, इसे मैंने बर्न्ट केक बनाया है। आप चाहें तो कोई दूसरे शेप में भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस मोल्ड या टीन में आपको बनाना है, उसे थोड़े से तेल से या बटर से ग्रीस कर लें। एक से दो टेबलस्पून टूटी फ्रूटी को एक टेबलस्पून मैदे में कोट कर लें। इससे क्या होता है कि टूटी फ्रूटी हमारा केक में इवेंटली स्प्रेड होता है, नहीं तो बहुत बार आप देखते होंगे कि हमने मिलाया और टूटी फ्रूटी किसी एक जगह पे ज़्यादा कहीं कम। इससे क्या होता है, केक में बराबर से ये स्प्रेड होता है। अब एक बाउल में हाफ कप ऑयल लेंगे और 5 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क लेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो 5 से 6 चम्मच ऑयल की जगह बटर भी ले सकते हैं। अब इन सब को अच्छे से मिला के थोड़ा क्रीमी टाइप का करना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें मैंने 2 चम्मच पिसी हुई चीनी मिलाई है, इसे भी अच्छे से मिला के थोड़ा क्रीमी बना लेंगे। ये देखिए ये क्रीमी टाइप का हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा भी मिक्स ना करें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मिक्स करने से भी केक अच्छा नहीं बनता है। अब 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक मिलाकर एक साथ अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद इसे कट एंड फोल्ड मेथड में इसे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे मिक्स करिए। अब इसमें मिल्क मिलाएंगे, लेकिन मिल्क हमें एक साथ नहीं मिलाना, इससे बैटर पतला भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून वाइट विनेगर मिलाया है और 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। अब थोड़ा सा और दूध मिलाएंगे और धीरे धीरे मिलाते हुए एक अच्छा सा स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश, और टूटी फ्रूटी भी मिला देंगे, जिसे हमने मैदे के साथ कोट करके रखा था, उसे भी मिला दें। और इन सब को एक स्पैचुला से अच्छे से और हल्के हाथों से मिक्स करना है, ताकि ये मिक्स हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। अब जो मैंने मोल्ड को ग्रीस किया था, उसमें मैं कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप कोई और टिन ले रहे हैं, केक का कोई और मोल्ड ले रहे हैं, तो उसमें आप नीचे में ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, बैटर डालने के बाद ऊपर से ये सारी चीज़ें डालेंगे, कटी हुई ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी। क्योंकि मेरा ये मोल्ड बर्न मोल्ड है, इसलिए मैं नीचे डाल रही हूँ। अब इसमें बैटर डाल दें और प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे इसे 20 से 25 मिनट या 30 मिनट आप एक बार चेक कर लेंगे टूथपिक डाल के कि ये हुआ है कि नहीं। तब तक हमें इसे बेक करना है। ओवन प्री हीटेड रहेगा और 180 डिग्री पर ये बेक होगा। अब इसे 3-4 बार अच्छे से टैप कर लें ताकि एयर बबल्स निकल जाए। ये देखिए केक बेक हो गया और बहुत अच्छा बेक हुआ है। अब मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोल्ड सिलिकॉन का था, इसलिए मुझे इस तरह से डीमोल्ड करना पड़ रहा है। और इसीलिए मैंने टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स नीचे की तरफ दिया था, ताकि जब मैं इसे डीमोल्ड करूं तो ये ऊपर की तरफ अच्छा दिखे। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे रेसिपी को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।